नमस्कार सांगमाने, मो ना होउछि अविनाश। आपण देखुछन्ति अभिज्ञान। आज मु पहुँचिछि अनुगुल जिल्लार एक प्रमुख शैवपीठ, जार ना होउछि ओमकारेश्वर मंदिर एवं ब्रह्मचारी आश्रम, जहाँ आम अनुगुल जिला ठार मात्र 50 किलोमीटर दूर पड़ा, सहित माँ हिंगुला मंदिर ठार 30 किलोमीटर दूर पड़े। यह मंदिर विशेषता हूँ एटी एक स्फटिक लिंग। अच्छी स्फटिक लिंगर अर्थ हूँ 1008 कोटी लिंग पूजा करने सहित सामान। तो भावंतु स्फटिक लिंगर केते महत्व रही। आम ओडिशार प्रथम स्फटिक लिंग यही ओमकारेश्वर मंदिर ब्राह्मणी देवी स्थापित होता। तो चलतु बुले जावा ओमकारेश्वर मंदिर टी आउ देखा एक सुंदर प्राकृतिक घेरा आश्रम को। मंदिर को आसपाई आप इजिली आसीपर तालचेर देवगढ़ जा NH53 रास्त गला बेले कणिया ब्लक ठार मात्र 12-13 किलोमीटर दूर पड़े ब्राह्मणदेई ग्राम। से ही ग्राम पाखरे बा रास्ता कड़े पड़े से ही आश्रम। यार इतिहास और स्थापन विषय एठिकार मुख्य आमको डिटेल्स कहीपारे, तो चलतु डायरेक्ट पचारि बुझा। एटी मंदिर सह एक आश्रम अच्छी, जो आश्रम मुख्य होती स्वामी सचिदानंद सरस्वती महाराज, ब्रह्मलीन पूज्यपाद वेदांत केशरी स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती उत्तराधिकारी, सहित आम सहित अच्छा सेवानंद महाराज, अरूपानंद महाराज एवं ब्रह्मचारी मृत्युंजय। तो प्रथम मुबा को प्रणाम कर मो यूट्यूब चैनल अभिज्ञान को एवं श्रोता मान स्वागत जनाऊु। प्रथम कहतु ये आश्रम इतिहास आउ यार प्रतिष्ठा विषय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य वेदांत केसरी मध्य गुरुजी स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती महाराज 1990 मसीह निकटस्थ गुंडीर ग्राम को यज्ञ निमंत्रण होकर आसते, तो सांगे मध्य आमे थिलु। तो सही समय रे स्वामीजी यही रास्तारे प्रत्यावर्तन कले, से रास्ता भल नथिला। तो पाखरे जो नाल अच्छी से नाल रे स्वामीजी से झरणारू किछि पानी पुरेले गाड़ी रे, पुरुना जीप थिला, जीप रे पानी पुरेले एवं कंटा बुदा भितरे ए खंडिये बड़ बड़ पत्थर थिबा प्रस्तरमय खंडिये जागा थिला। दी जण लोक एठु जड़े हेमंत कुमार गड़नायक आज जड़े कपिलेश्वर पंडा, ये दीज जाक अनुरोध कले बाबा आम एरिया कौन से आध्यात्मिक कार्यक्रम निमित्त कौन से आश्रम इत्यादि गोटे प्रतिष्ठा करने को आम चाहू, कि मिलूना आमको जन को बाबाजी दिंतु आम एटी एक आश्रम प्रतिष्ठा करू। तो स्वामीजी अनुरोध क्रमे एम गले स्वामीजी की पुणी चकाबाद आश्रम डाकिले। तापर स्वामीजी आमको पठेले, आमको पठेला परे आम ये जगह को देखी प्रथम भयभीत हेलु, कारण पहाड़ जंगल कंटा आबुड़ा खाबुड़ा तापर विराट प्रस्तर खंडे टुंगी करिवा को मध्य जगह नथिला। तो बहु परिश्रम परे गाँ लोकंकर किछि मध्य सहयोग रहिला। तापर गोटे नड़ा छपर गोटे बखरा घर तैयारी हेला, गोटे बखरा घर तैयारी हे प्रथमे यज्ञ मंडप तैयारी हे 1992 मसीह रे एरिया रो प्रथम बड़ यज्ञ अठी अनुष्ठान हेला, जोटे कि 30-40 नाम संकीर्तन मंडली आसते। 5टा कुंडरे विशाल यज्ञ पूरी मुक्ति मंडपर आचार्य माने आसते, 10-15 हजार लोक मध्य होते। से यज्ञ परे धीरे 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 लोकंकर आकर्षण बढ़िला। प्रत्येक वर्ष वर्षक थरे निश्चित स्वामीजी आसी एटी 3 दिन रहुथिले एवं 3 दिन भितरे स्वामीजी सहित बहुत आध्यात्मिक वार्तालाप लोकंर होता, सत्संग चली, अष्टप्रहरी चले, तांगे आमर घृतज्ञ इत्यादि इत्यादि अन्नज्ञ यू कार्यक्रम रही था। तो धीरे धीरे केत वर्ष पर लोकंर आग्रह है गोटे मंदिर करवा, तेणु एक शिव मंदिर प्रतिष्ठापाई योजना नेलु। बहुत लोकंर रास्ता घाट नथिला, टिकरा ब्रिज नथिला, आमे बहु कष्ट बहु परिश्रम ए मंदिर धीरे धीरे मंदिर काम आरंभ हला। एवं 2003 मसीह
ए मंदिर प्रतिष्ठा पाई दिन स्थिरीकृत हला एवं गजती महाराज तथा शंकराचार्य महाराज पूरी गोवर्धन पीठाधीश्वर पूज्यपाद स्वामी निश्चलानंद सरस्वती स्वीकृति देते मात्र कौनसी कार्यवशतः शंकराचार्य भगवान आसीपार नथिले मात्र गजपति महाराज उपस्थित रे स्वामीजी महाराज तथा प्राय 30-35 बाबाजी ता संगे प्राय 30-40 हजार लोकंकर सहयोग रे विराट कार्यक्रम होता यज्ञ नामयज्ञ अन्नयज्ञ घृतयज्ञ इत्यादि समस्त यज्ञ पूर्णांग भाग समाहित होता से दिन ठारू प्रत्येह दैनिक जलाभिषेक अष्टाध्यायी मंत्र रे रुद्राभिषेक चली प्रत्येक दिन हवन चली शिव महिमन पाठ योगासन कार्यक्रम मझेरे मझेरे शिविर भजन कीर्तन ता सांगरे गीता भागवत उपनिषद इत्यादि स्वाध्याय श्रीरामचरितमानस इत्यादि स्वाध्याय कार्यक्रम प्रत्येह चली मंदिर तैयारी हवा परे प्राय 2000 मसीह कंप्लीट हला मात्र आमे 2-3 वर्ष से स्फटिक शिवलिंग निमित्त अपेक्षार रहिलु स्वामीजी महाराज तथा शंकराचार्य गजपतिजी महाराज ये समस्ते आमको सहयोग करते स्फटिक शिवलिंग नथिला प्रथम करी ए शिवलिंग आसीबो लोकंग मनर बहुत उत्साह थिला तो जहा हो बहु परिश्रम रे भगवान कर सदिच्छा इठिक आसीबा पई तेणु शंकर भगवान इच्छा स्फटिक लिंग प्रतिष्ठा है स्फटिक लिंगर महत्व है आमर जो विभिन्न प्रकार शास्त्र रे वर्णना अच्छा 36 प्रकार लिंग व्यवस्था 36 प्रकार लिंग भितरे विभिन्न कामना निमित्त विभिन्न लिंगर उपासना करा जाए था मात्र स्फटिक लिंग होती सर्वकामप्रद जहाँकि समस्त कामना पूर्ति होता है तेणु ये सफेद धला या को सन्यासी माने मध्य पूजा करी थांती सन्यासी जेते बेले सन्यासी नहीं थांती तो सेते बेले गुरु घटार शपथ करी थांती जे मो स्फटिक लिंग पूजा न कले अन्न ग्रहण करी ना जल ग्रहण करी ना तो एभली भाव रे ए स्फटिक शिवलिंग तेणु एठि प्रत्येह रुद्राभिषेक कार्यक्रम एवं यज्ञ कार्यक्रम गुरुजी महाराज तथा आमर शंकर भगवान कृपारु प्रत्येक दिन ब्रह्मचारी अरूपानंद जी महाराज तथा सहयोगी मानक द्वारा संपादन होता है। मठर मुख्य आमको बाबा भोग आकार एक विशेष प्रकार खीरी खावा देते जहाँ साधारण खीर ठार बहुत स्वादिष्ट थिला। तो केमी लगला भिडी जदि भिडी भल लगे तो निश्चित लाइक करेंगे आपड़ भिडियोटी ओडार क्यों जगार देखुं मतलब कमेंट कर कमेंट में जनइबे जदि भिडियोटी आप फेसबुक देखुवे तो निश्चिंत आम पेज को लाइक करूँ और भिडियो सेयार करी आप चैनल नुआ अच्छा निश्चिंत सब्सक्राइब कर मतलब उत्साहित करूँ कैमेरा पत्र अच्छा राहुल अनिल अविनाश पुणी देखा ओडार अनेक जगह अनेक प्लेस से कहते भुजिया दिंतु और खुशिया कहतु जय जगन्नाथ।